हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। दोस्तों, मेरे पास देखिए ये दो पौधे हैं। पहला पौधा ये है और दूसरा पौधा ये है। ये पौधा क्रैनबेरी हिबिस्कस का पौधा है और इस पौधे में देखिए फ्लावरिंग हुई है। देखिए मैरून रंग के फूल हैं। एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर देखिए ये है और तीसरा फ्लावर ये है। अच्छी ग्रोथ है। दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसमें दोस्तों मिली बग कीट ने अटैक किया। देखिए ये देखिए यहाँ किया है और देखिए यहाँ भी कली के बीच में देखिए यहाँ भी अटैक किया हुआ है और यहाँ भी अटैक किया है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मिलीबग कीट के अटैक से छुटकारा कैसे पाया जाए। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर अपने पौधों को मिलीबग कीट के अटैक से बचा सकेंगे। दोस्तों देखिए, सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े मिलीबग पौधे पर चिपके हैं। सही जानकारी ना होने के अभाव में हम इसका इलाज नहीं कर पाते और धीरे धीरे यह मिलीबग हमारे बगीचे के कई पौधों को ख़राब कर देता है। इसकी तकरीबन 200 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी कुछ प्रजातियां अंडे देती हैं जबकि कुछ डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती हैं। यह एक बार में सैकड़ों अंडे दे सकती है, इसलिए यदि इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से फैलती है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, चींटियों में और मिलीबग में बहुत प्रगाढ़ यानी प्यारा संबंध होता है। चींटियाँ मिलीबग के शरीर में जमे वैक्स को अपना भोजन बनाती हैं और इसके बदले में चींटियाँ मिलीबग को अन्य इंसेक्ट से बचाती हैं। दोस्तों, मिलीबग के अटैक से बचने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि जिस पौधे में मिलीबग का अटैक हुआ है उस पौधे को दूसरे पौधों से दूर करना है। ऐसा इसलिए कि दूसरे पौधे में मिलीबग का अटैक ना हो। दोस्तों, अब सेकंड स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि गुनगुने पानी से स्प्रे करना है। जहां मिलीबग ने अटैक किया है उसको स्प्रे द्वारा निकालना है मिलीबग को। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि जड़ में भी पानी नहीं जाना चाहिए। अगर मिट्टी में पानी चला गया तो मिलीबग दोबारा फिर अटैक करेंगे, इसलिए इसको उल्टा कर देना है या गिरा देना है। देखिए इसको ऐसे, देखिए इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, या आप इसमें प्लास्टिक भी ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए स्प्रे मशीन से इसको आप ब्रश का सहारा भी ले सकते हैं और बगैर ब्रश के भी आप हाथ से इसको साफ कर सकते हैं। देखिए देखिए ये देखिए पूरे पौधे को जहाँ जहाँ पर है मिलीबग का अटैक है, देखिए या यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा गुनगुने पानी से धुलना है इसको। छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, कहीं पत्ती में, टहनी में। दोस्तों, अब दूसरी तरफ भी इस पौधे को गिराकर और पत्तियों के ऊपर, टहनियों पर स्प्रे करना है जो इन्फेक्टेड पार्ट है जिसमें मिलीबग ने अटैक किया है। सफ़ेद वैक्स पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। देखिए अभी भी है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। हो गया, सारे मिलीबग निकल गए। दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पौधे को गिराते हैं तो जड़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से जो नए गार्डनर भाई हैं इस बात का ध्यान रखें, अगर जड़ डिस्टर्ब हो गई तो पौधा ख़राब हो जाएगा। एक बात और बताना है आपको कि अगर मिलीबग का अटैक किसी छोटे पार्ट पर हुआ है, मान लीजिए जैसे केवल यहीं पर हुआ है या किसी ऊपर की टहनी में
ये जैसे यहाँ हुआ है, तो आप इसको काट कर और निकाल भी सकते हैं। दोस्तों तीसरा स्टेप इसका ध्यान देना है। देखिए ये मैंने 15 पत्तियाँ लिया हुआ है नीम की, इसको अच्छी तरह कूटना है। देखिए मैंने ओखली लिया है थैलर, और इसमें डालकर कूटना है। थोड़ा पानी डाल देना है इसमें, थोड़ा सा, 2-4 बूंद बस। अच्छी तरह इसका रस निकल जाना चाहिए। इसको खूब अच्छी तरीके से कूट लेना है जब तक इसका जूस रस निकल नहीं जाता है। इसको उबाल करके भी आप बना सकते हैं, हमें ये ज़्यादा बेटर लगता है। और नीम ऑयल बाज़ार में भी उपलब्ध है, 5 बूंद उसका भी आप 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं। पानी गुनगुना होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें, बस अब इसे निकाल लेते हैं और इस छन्नी से छानेंगे। देखिए बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनेगा। दबा दबा के इसका जूस निकाल लेते हैं। देखिए निकल गया जूस इसका। अब इसमें 4 बूंद हैंड वॉश मिलाते हैं। देखिए आप इसकी जगह पर शैम्पू भी मिला सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसे स्प्रे बोतल में भरना है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आप लिक्विड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बना रहे हैं मिलीबग के लिए, इसका पानी गुनगुना होना चाहिए, तभी आप इसको बनाएं। दोस्तों अब ये जो मैंने लिक्विड बनाया है, इसको पूरे पौधे पर, पत्तियों पर अच्छी तरीके से टहनी पर स्प्रे करना है। कोई भी इसका पार्ट छूटना नहीं चाहिए, हर जगह। और सूर्यास्त के बाद कभी भी करते हैं, सूर्यास्त के बाद करें, और हफ्ते में 2 बार करें। देखिए जहाँ पे मिलीबग का अटैक हुआ था, और थोड़ा नीचे मिट्टी में भी डालना है। दोस्तों अभी आपने देखा मिलीबग कीट के अटैक से कैसे बचा जाए। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।